अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सो बेसिकली ये रिव्यू है 2013 सिविक रिबर्थ का, कुछ लोग इसको ट्राइबॉन भी बोलते हैं। सो बेसिकली जो रिव्यू है वो सिर्फ ओडोमीटर का है, ये ओडोमीटर कहलाता है इसका, जहाँ पे एवरेज फ्यूल और रेंज वगैरह ये सब डायमेंशन आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी किस रेंज पे क्या आपको किलोमीटर्स पे क्या एवरेज दे रही है क्या नहीं दे रही। इसमें बहुत से फीचर्स आते हैं जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होते कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, और बहुत से लोग इसके फंक्शन पे घुसने से पहले सोचते हैं कि यार कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। सो अभी मैंने इसकी लर्निंग की थी कुछ टाइम पहले, मेरे पास ये गाड़ी पहले भी थी, और जो इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं 2012 से लेके जो है वो 16 तक ये गाड़ी आई है सेम शेप पे। सो ये गाड़ी जो भी लोग लेना चाह रहे हैं उनको बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये कैसे ओडोमीटर का कंट्रोल होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस किस तरीके से आप इसके जो है वो ऑप्शन चेंज कर सकते हो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो ओडोमीटर पे जो है वो कोई इमोजी सेट कर देते हैं, क्लॉक सेट कर देते हैं, या इनके कलर्स चेंज हो जाते हैं, या फिर रेंज की जगह पे वो कभी आपको कुछ दिखा रहा होता है कभी कुछ दिखा रहा होता है। जैसे मैंने अभी, ये बेसिकली मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, तो अभी इसकी गाड़ी में जो है वो ये सब चीज़ें सेट हुई हैं, ऐसे एवरेज फ्यूल और रेंज, क्योंकि इसका जो ट्रैवल है वो बेसिकली वे टू इस्लामाबाद या वे टू हैदराबाद ऑलवेज रहता है, तो इसलिए इसने ये सब चीज़ें सेट की हुई हैं ताकि इसको पता चलता रहे कि कितना इसकी गाड़ी एवरेज दे रही है कितने किलोमीटर्स पे। अभी इसकी गाड़ी 5.1 दे रही है, क्योंकि जो है वैसे ये 5.1 फेक एवरेज है, ये इस तरीके का एवरेज देती नहीं है। मिनिमम जो है वो 8.0 से इसका एवरेज स्टार्ट होता है, और विद इन सिटी लाइक ये एवरेज दे देती है आपको 10, 10.5, और बहुत ही आप हल्के अगर हल्के पैर पे चलाओगे गाड़ी तो ये आपको 11 का एवरेज दे देती है, इससे ऊपर नहीं देती, क्योंकि जो है लॉन्ग रूट पे ये गाड़ी आपको तकरीबन दे देती है ऐसे 13 to 14, 15 पे एवरेज दे देती है। जैसे अगर हम कभी हाईवे कनेक्ट करते हैं या फिर कुछ जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो ये आराम से जो है वो 15 का एवरेज दे देती है एक अच्छी स्पीड पे। सो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगा इसका, जिनको जानना है कि ओडोमीटर किस तरीके से कंट्रोल होता है वो वीडियो पूरी एंड तक देखें ताकि उनको समझ आए। सो बेसिकली इस पर एक बार आता है यहाँ पे, ये पूरा एक सिस्टम कंट्रोल है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरा इसको कंट्रोल करता है ओडोमीटर को। सो आप इसमें गए मेन्यू में, मेन्यू में जैसे आप जाएंगे आपके पास शुरू में तीन ऑप्शंस खुलेंगे सिर्फ, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और एडजस्ट क्लॉक और कस्टमाइज सेटिंग। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका है कस्टमाइज सेटिंग का। सबसे पहले हम आते हैं ओडोमीटर पे, जो ओडोमीटर ट्रिप मीटर है वो आपको 2 मीटर दिखाता है हमेशा ट्रिप मीटर रीसेट पे जाके कि आपने किस ट्रिप मीटर पे गाड़ी चलानी है, ए या बी पे। अगर आप ए पे चलाओगे तो आपको जो है वो हर दो मतलब गाड़ी अपनी स्पीड के हिसाब से ट्रिप्स खुद चेंज करती है। ट्रिप मीटर ए पे करोगे तो आप जैसे ही आपने ट्रिप मीटर रीसेट किया है इसको यहाँ पे, तो आपकी गाड़ी का जो पहले एवरेज आ रहा था 5.0 वो एवरेज अब हट जाएगा, तो जो भी अब जैसे आप गाड़ी चलाओगे हल्के पैडल पे तो आपको एक नया एवरेज वो देना शुरू कर देगी। बहुत से लोग ये करते हैं कि फ्यूल डलवा के वो ये सब करते हैं ताकि गाड़ी का एवरेज उनको अच्छा मिले। दूसरा आ जाता है एडजस्ट क्लॉक का, तो आप यहाँ पे कोई भी क्लॉक वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, सही है, टाइम वगैरह टाइमर सेट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद बैक आ जाओ आप तो लेफ्ट एरो की से बैक हो जाता है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इसका, वो जो काफ़ी मज़ेदार पार्ट है इसका, वो है कस्टमाइज सेटिंग। तो बेसिकली उसमें है क्या कि जब आप कस्टमाइज सेटिंग में जाते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत से फीचर्स खुल जाते हैं, जैसे डोर सेटअप, डिफ़ॉल्ट ऑल, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो डिफ़ॉल्ट ऑल कर दे ताकि जो सेटिंग उसने छेड़ी थी वो वापस बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएँ। डोर सेटअप है, लाइटनिंग सेटअप है, ट्रिप कंप्यूटर सेटअप है, डिस्प्ले सेटअप है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले सेटअप से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है वेलकम स्क्रीन आ जाती है, कलर थीम आ जाती है, लैंग्वेज सिलेक्शन आ जाता है। वेलकम स्क्रीन में अगर आप जाएंगे तो वेलकम स्क्रीन में वो आपको ये सिर्फ पूछेगा कि ऑन पे रखना है कि ऑफ़ पे रखना है। मैंने ऑन पे रखा हुआ है। जब आप गाड़ी में अपनी की इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एक होंडा का लोगो आता है जो कि वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आपको वो दिखाना है या नहीं दिखाना, तो आपने उसको बैक कर दिया, आपको वो दिखाना है, सही है। कलर थीम में आप आ गए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ये कलर थीम में। बहुत से लोगों की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि अभी जो इसका एक डिस्प्ले कलर जो आ रहा है वो ग्रे आ रहा है,
बहुत से लोगों की गाड़ियों में आता है कि उनके कलर्स जो हैं वो साइड की डायमेंशन के भी चेंज होते हैं यहाँ के, जबकि ओडोमीटर का अगर आप कलर चेंज करोगे तो सिर्फ यहाँ का कलर चेंज होगा, यहाँ का कलर नहीं चेंज होता। अब यहाँ पे ब्लू है, रेड है, एम्बर है, ग्रे है। अभी मेरा ब्लू पे ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, अब मैं चाहूँ तो मैं उसको रेड कर सकता हूँ और मैं मेन्यू पे आ जाऊँगा तो ये मुझे एज अ रेड शो कराएगा। ये जो इसका जो राइट पार्ट है, ये चीज़ भी पूरी चेंज हो जाती है कलर में, लेकिन ये कंप्यूटर से लग के चेंज होती है। इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स करवाने पड़ते हैं, वो इस गाड़ी में नहीं हुए हुए। मेरे पास जो पहले रिबर थी वो 2015 का पैकेज था, उसके अंदर वो चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई थी। और जो है उससे होता ये था कि पूरी डायमेंशन चेंज होती थी, इधर की भी दोनों साइडों की। तो अगर आप यहाँ पे रेड सेलेक्ट करोगे तो वो पूरा रेड पे लेके चला जाएगा आपको। सो दोबारा उस पे उसी ऑप्शन में चलते हैं वापस, कलर थीम पे। डिस्प्ले सेटअप में आप गए, वापस कलर थीम में आप गए, आपने रेड सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज सिलेक्शन है, लैंग्वेज सिलेक्शन में आप ऑब्वियसली सी बात है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके की आपको लैंग्वेज रखनी है। ये चार ऑप्शन इस पे ख़त्म हो गए। अब आप आ गए नीचे लाइटनिंग सेटअप पे। लाइटनिंग सेटअप बेसिकली क्या है कि इंटीरियर और हेड इंटीरियर हेडलाइट की ऑटो टाइमर ऑफ ऑन है। इंटीरियर की लाइट्स जो हैं, जो आपकी इंटीरियर की गाड़ी की अंदर की लाइट जो जल रही हैं, अगर वो आपकी 30 सेकंड से ज़्यादा, जैसे मैंने टाइमर सेलेक्ट किया हुआ है, 15 सेकंड भी रख सकता था मैं इसको, मैंने टाइमर सेलेक्ट किया हुआ है 30 सेकंड्स का। तो जैसे आप गाड़ी गाड़ी में कोई भी नहीं है, गाड़ी आप लॉक करके बिरयानी में गाड़ी से उतर गए और चले गए, तो बाज़ोकात लोगों का ये होता है कि यार गाड़ी की बैटरी बैठ गई हमारी, गाड़ी की लाइटें ऑन रह गई अंदर से, तो सुबह तक जब वो आते हैं या 2-4 घंटे में जब वो आते हैं, उनकी बैटरी वीक होती है, उनकी बैटरी जो है वो ऑटोमेटिकली बैठ जाती है क्योंकि एक कंज्यूम हो रही है बैटरी कहीं ना कहीं। तो 30 सेकंड्स में मैंने इसको सेट किया हुआ है कि अगर मैं गाड़ी बंद करके चला भी जाऊँ कहीं पे, तो 30 सेकंड्स में ऑटोमेटिकली अंदर की जो लाइटें होती हैं इंटीरियर की, वो सारी की सारी ऑफ हो जाती हैं और बैटरी कंज्यूम नहीं होती। इसी तरह हेडलाइट है, अगर मैंने गाड़ी जैसे हेडलाइट मैंने ऑफ़ नहीं करी है, HID जल रही है गाड़ी में या फिर हाई बीम जल रही है, कोई सी भी बाहर से जो लाइट डिस्प्ले करती है गाड़ी को वो जल रही है, तो वो सारी की सारी जो है वो ऑटोमेटिकली 15 सेकंड्स में बंद हो जाएंगी। इसका भी मैं आपको डेमो भी करके दिखाता हूँ, 15 सेकंड्स में बंद हो जाएंगी। बहुत से लोगों को नहीं पता होता रिबर्थ में कि ये ऑप्शन होते हैं, ये इसीलिए मैं आप लोगों को ये ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब ये गाड़ी लें या फिर आपके किसी जानने वाले के पास ये गाड़ी हो या नहीं भी हो, तब भी आपको एक क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपको ये चीज़ मालूम है। इसी तरह डोर सेटअप होता है, डोर सेटअप में कीलेस एंट्री होती है, कीलेस लॉक होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे गाड़ी से बाहर आप निकल गए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली एक टाइमर के सेट पे खुद ही लॉक हो जाती है। और अगर आपको कुछ भी समझना है तो डिफ़ॉल्ट ऑल है इसके लिए। तो और आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो है जिस तरह भी ये रेड हुआ हुआ है, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे एवरेज फ्यूल आ रहा है और रेंज आ रहा है, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी रखते हैं कि उनको क्या रखना है इधर। इसमें एक जो है ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे आपने देखा भी, मैंने आपको बाहर दिखाया है कि रेंज वगैरह आता है लिखा हुआ और ये सब चीज़ें आती हैं रेंज और एवरेज फ्यूल वगैरह, तो लोग उसकी जगह आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी रख सकते हो। जैसे आप, मैंने अभी यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि इस बंदे की जो गाड़ी है जिस बंदे की, वो मैंने आपको जैसे बताया लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करता है, तो उसको देखने में आसानी होती है कि गाड़ी कितनी रेंज अभी देगी कितने किलोमीटर पे, तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि चलो इतनी अभी गाड़ी मेरी चलेगी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस पर रेंज ही सेलेक्ट रखते हैं। इसके अलावा एवरेज स्पीड है, आप यहाँ पर एवरेज स्पीड भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर एवरेज स्पीड सेलेक्ट कर लूँ और मैं बैक आ जाऊँ तो यहाँ पे मुझे वो एवरेज स्पीड दिखाएगा कि कितनी गाड़ी आपकी कितनी उस पर स्पीड पे चल रही है और ऊपर आपको एवरेज फ्यूल दिखा रहा है। अभी ये यहाँ पे सारे ब्लैंक हैं, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करूँगा और गाड़ी एक राउंड पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे पूरा एक डायमेंशन दिखा देगा वो कि किस क्या क्या चीज़ आपको किस चीज़ पे कितनी चीज़ मिल रही है, एवरेज फ्यूल आपको क्या दे रही है गाड़ी, एवरेज स्पीड क्या है आपकी। सो बेसिकली ये टोटल जो है वो रिव्यू था इसका। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।